जबलपुर से इस वक्त की हमारी खास खबर। जी हां, शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में महाकौशल का पहला पेनम्ब्रा पल्मोनरी थ्रोम्बेक्टोमी ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। जबलपुर निवासी 30 वर्षीय चंदन पाठक को सांस फूलने की एवं कम ऑक्सीजन की शिकायत के साथ शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में भर्ती किया गया। सांस के साथ साथ मरीज को कार्डियोजेनिक शॉक भी था, बीपी 80 सिस्टोलिक। हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी ने जांच के उपरांत ही पाया कि मरीज को गंभीर पल्मोनरी एल्बोलिज्म की शिकायत है, जिसका कि तुरंत उपचार किया जाना चाहिए। जांच में भी पाया गया कि फेफड़े के सभी प्रमुख धमनियों में रक्त के थक्के जमे हुए हैं, जिसे डॉक्टर आशीष तिवारी द्वारा पेनम्ब्रा थ्रोम्बेक्टोमी से जटिल ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के द्वारा फेफड़ों की धमनियों में जमे हुए थक्के को निकाला गया। ऑपरेशन के बाद न केवल मरीज की ऑक्सीजन सामान्य हुई, बल्कि रक्तचाप भी सामान्य हो गया। डॉक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी हृदय की घातक व दुर्लभ बीमारी है, जिससे मरीजों में मृत्यु दर 50% तक जा सकती है। समय पर निदान व इलाज से अधिक मरीजों की जान बचाई जा सकती है। पेनम्ब्रा थ्रोम्बेक्टोमी एक अत्याधुनिक तकनीक है, जो कि महानगरों के अलावा अब शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में भी उपलब्ध है। जबलपुर से ब्यूरो अनुप चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल की जबलपुर यूनिट, और हमारे अपने मरीज के बारे में हम बताना चाहेंगे। शेल्बी हॉस्पिटल की यूनिट से 30 ईयर ओल्ड मरीज जो हमारे पास एक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फेफड़े में खून का थक्का जमने की बीमारी के साथ हमारे पास आए, और उनको सकुशल उनका उपचार करके आज घर भेजा जा रहा है। और इस बीमारी को पेनम्ब्रा थ्रोम्बेक्टोमी जो मध्य भारत में या महाकौशल में पहली बार उपयोग की गई है, और उससे सकुशल इलाज किया गया। यह फेफड़े के खून का थक्का निकालने वाला अत्याधुनिक इलाज है, जो महानगरों के अलावा शहरी हॉस्पिटल जबलपुर में भी उपलब्ध है। इस बारे में अवेयरनेस के बारे में जरूर एक बात बोलना चाहूँगा कि अपने आप को फिजिकल इमोबिलिटी या आप रोज एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें, कम से कम 40 से 50 मिनट डेली चलें। हमारा जो इस हमारे मरीज में जो शक है, उस बीमारी के पाँव में खून का थक्का जमने की बीमारी का कारण इस मरीज में लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम और कंप्यूटर से काम करना है। हम इससे महाकौशल की जनता को हमारा यही संदेश है कि 40 से 50 मिनट डेली अपनी एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालें। बाकी दुनिया अपनी जगह है, लेकिन आपके अपना स्वास्थ्य सर्वोपरि होना चाहिए। इसी के साथ मैं शेल्बी परिवार का, शेल्बी की ICU टीम का, हमारे मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ कि इस मरीज को सकुशल घर पहुँचाने में उन्होंने योगदान दिया। धन्यवाद। गुड नेम सर। माई नेम इज डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल की जबलपुर यूनिट। जो पुलवे एम्बोलिज्म का था, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक केस है, क्योंकि इसको अर्ली डायग्नोज भी कर दिया गया और उसके बाद इसको हम उसको निकाल भी दिए। तो जैसे कि डिटेल में भी बताया जा चुका है, एक पॉइंट और मैं कन्वे करना चाहूँगा, वो ये कि 40 मिनट तो आप निकाले ही, इसमें कोई शक नहीं है। पर यदि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हर 2-3 घंटे में थोड़ी देर उठकर चहलकदमी करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर यदि आप 2 घंटे काम कर रहे हैं, 5 मिनट भी उठ के यदि आप चलते हैं, तो अपने आप में बहुत ही लापत होगा, क्योंकि उससे जो ब्लड के सर्कुलेशन है पैरों का, उसमें सुधार हो जाएगा। भाई अपनी आदत बना लें, यदि अपन को एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक के किसी से बात करना है तो इंटरकॉम ना यूज़ करते हुए खुद जाके वहाँ पर यदि उस व्यक्ति से बात करें तो भी काफ़ी उसमें सहायक हो सकता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि घातक भी होती है और यंग एज में भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा कई केस हमारे हार्ट के मरीज ना होते हुए भी उनको हड्डी की बीमारी थी, लंबे समय तक लेटे थे, फ्रैक्चर था इसके थाई बोन्स का, वहाँ से एम्बोलिज्म निकल के लंग में चला जाता है। तो यहाँ हड्डी से तो ठीक हो गया हो, पर उससे उसके कारण से एम्बोलिज्म हो गया। तो यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें लगेगा कि हम उसकी डायग्नोसिस अर्ली करने के लिए यदि कटिबद्ध हैं, तो उसकी पूरी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं शेल्बी हॉस्पिटल में, और कुछ सुविधाओं का हम यदि उपयोग करते हैं तो हम मरीज की जाँच बचा सकते हैं। नाम बताओ। डॉक्टर आर एस शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ।